नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मिर्जापुर में गंगा यात्रा के दौरान विंध्याचल धाम में पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ आई युवाओं की टीम ने लाठी, भाला और तलवार का प्रदर्शन विंध्याचल धाम में किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया से परचम फहराना है, हमारे सामने चीन और पाकिस्तान समेत कोई नहीं टिक पाएगा। योगी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी होने को कहा तो मोदी को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। उमा भारती ने कहा कि नरेंद्र नाथ दत्त से नरेंद्र मोदी तक की यात्रा जारी की, पहले भारत के स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना के स्वाधीनता की, अब भारत के विकास के आधार रखने की स्वाधीनता की मिसाल चली आ रही है। उमा भारती ने कहा कि योगी निर्लिप्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, तिरंगे के मान की बात आई तो मैंने पद छोड़ दिया। योगी जी में क्षमता और मजबूती का मेल है, यह वही व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हूँ। मोदी जी के लिए लंबे समय तक सत्ता में रहने की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा के साथ युवाओं ने विंध्याचल मंदिर प्रांगण के पास लाठी, भाला और तलवारबाजी का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा मनवाई। मिर्जापुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि नरेंद्र नाथ दत्त से नरेंद्र मोदी तक की जो यात्रा थी, पहले भारत के स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना की स्वाधीनता की, फिर भारत के विकास के आधारों की स्वाधीनता की, ये जो यात्रा है ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र मोदी तक ये मशाल चलती आई है। और मुझे लगता है कि भारत पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न चीन टिक पाएगा, न पाकिस्तान टिक पाएगा। और हम जिस नीति को अपना करके चल रहे हैं कि हम किसी को हिंसक तरीकों से ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं, हम सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहते हैं, और जब हम पे संकट आएगा तो हम जरूर अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। और इसलिए इसी भाव से मुझे लगता है कि देशवासियों ने मोदी का भरोसा किया है, ये भरोसा मोदी जी पे कायम रहे। यहाँ पर मैं आपके कई प्रश्नों के आने उत्तर पहले ही दिए देती हूँ। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोगों की नज़र में गिर चुकी पार्टियाँ हैं, लोगों की नज़र में गिर गई हैं, क्योंकि इनने परिवारवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, इनने वोट बैंक की राजनीति की, इन्होंने तो जिस प्रकार से राजनीति को कलंकित किया है उत्तर प्रदेश में, तो खास करके उसका परिणाम है, एक तरफ एक अपराध के लिए जानी गई एक पार्टी सपा जैसी पार्टी, और एक भ्रष्टाचार के लिए जानी गई बसपा जैसी पार्टी, और कांग्रेस दोनों के लिए जानी गई, दोनों की एक प्रकार से कांग्रेस को मैं कह सकती हूँ कि इन तीनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन गोत्र तीनों का एक है कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। अगर आपको याद हो तो बहुत पहले वो उनका इस्तेमाल करते थे, फिर वो सपा बसपा आते आते उनको टिकट मिलने लगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।